नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मुद्दों की। पहला, शिव के नाम पर मची खलबली। दूसरी, थोक खाद्यान्न दुकानों की बंदी। और तीसरी, झारखंड की सहियाओं का प्रदर्शन। सबसे पहले बात शिव के नाम पर मची खलबली पर। सोमवार की पांकी की घटना तो याद होगी आपको। दरअसल पलामू जिले के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इतना ही नहीं, एक स्कूल में लगभग इस दौरान 25 बच्चे फंस गए थे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। बीच बचाव करने गए कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। घटनास्थल से 3 से 4 यहां पर थानों पर की जो पुलिस है उन्हें तैनात कर दिया गया। एसपी का कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाया जा रहा था। हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद के पास मुस्लिम पक्ष के द्वारा मना किया गया। उसी को लेकर विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी हो गई। फिलहाल मामला शांत है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक और खबर जो इस शिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है वो है देवघर, जिसे हम बाबा नगरी के नाम से जानते हैं। जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहां कोविड काल के बाद इस साल सांसद निशिकांत दुबे की देखरेख में शिव बारात को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। देवघर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों तरफ खुशहाली और श्रद्धालुओं की भीड़ है। इन सब को देखते हुए पुलिस प्रशासन को डर है कि विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, और इसी को देखते हुए SDM ने इलाके में धारा 144 लगाने का फैसला ले लिया। अब इस फैसले पर सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसला क्या होगा, इसका सभी को इंतजार है और कल सभी के निगाहें हाई कोर्ट पर होने वाली है कि इसे लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। सोचने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि शिवरात्रि के मौके पर तोरण द्वार बनाया जा रहा हो ये, लेकिन इन सब के बीच ये सोचने वाली बात जरूर है कि सर्वधर्म सम्मान वाले हमारे देश में ऐसी तस्वीरें काफी चिंताजनक है। दूसरी तरफ भाजपा ये आरोप राज्य सरकार पर लगातार लगाते रही है कि ये सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष समुदाय पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। अब बात थोक खाद्यान्न दुकानों की बंदी की। आज दूसरा दिन है और बाजार लॉकडाउन की स्थिति में है। सबसे ज्यादा परेशान रोज कमाने खाने वाले मजदूर को हो रही है, और सरकार और व्यापारियों की इस खींचातान के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। दरअसल झारखंड की हेमंत सरकार ने कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक लागू करने का फैसला किया है। अगर ये विधेयक लागू हो गया तो खरीदारों की मंडी से उपज खरीदने पर 2% टैक्स देना होगा। अब इसका व्यापारी वर्ग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये काला कानून है और अगर ये लागू होता है तो किसानों की उपज महंगी हो जाएगी। देश में सबसे ज्यादा महंगा सामान झारखंड में मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो सकती है और इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और इन सब के बीच व्यापारियों का ये भी कहना है कि इससे सरकार को फायदा नहीं होने वाला है, तो सरकार इसे वापस ले ले। व्यापारियों और सरकार के बीच फंसे इस पेच के कारण बाजार लॉकडाउन जैसी स्थिति में है। 2 दिनों से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक व्यापारियों से बात करने की कोई पहल नहीं की, क्योंकि सरकार अपने कामकाज में बिजी है। खतियानी जोहार यात्रा हो गई या फिर रामगढ़ उपचुनाव और ना जाने क्या क्या। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि जनता को अपनी उपलब्धि गिनाने वाली ये सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है। और अब आखिर में बात झारखंड में सहियाओं के प्रदर्शन की। अनुबंध कर्मियों का यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि 1 महीने से यह प्रदर्शन चल रहा है और आखिरकार ये जो प्रदर्शन है आज भव्य रूप में देखने को मिला, जहां रांची के राजभवन के समीप सहिया बहनों का महाजुटान धरना प्रदर्शन हुआ। राज्य के 24 जिलों से सहिया बहने इस महाजुटान में पहुंची। मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर 29 जनवरी से लगातार सहिया बहने प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 2 बार स्वास्थ्य मंत्री का इन्हें आश्वासन मिला कि वे इनसे मुलाकात करने आएंगे, लेकिन आश्वासन आश्वासन ही रह गया। राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठी इन सहियाओं की हालत काफी नाजुक हो गई है, लेकिन ध्यान इस ओर कोई नहीं दे रहा है। अब तीनों खबरों को देखने, सुनने और समझने के बाद सवाल यह उठता है कि क्या हमारा शासन कमजोर है या फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जनता बेहाल है, परेशान है। इन्हें मतलब सिर्फ अपनी कुर्सी से है। सवाल तो जनता के मन में कई है।
आपके मन में हेमंत सरकार को लेकर क्या सवाल आता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।